नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां किसान 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली निकालने और कृषि कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार अब इन किसानों को मनाने में नाकाम रही है। इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। किसान नेताओं का दावा है कि उसने किसी पुलिस वाले का नाम लिया था। भास्कर में छपी खबर के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति ने कहा कि उसे ये निर्देश हरियाणा पुलिस के एक अफसर प्रदीप ने दिए थे। हालांकि इस दावे पर अभी तक सरकार या हरियाणा पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। इस व्यक्ति को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा डर सच साबित हो रहा है। इससे समझ आता है कि वे यानी कि केंद्र सरकार किस तरह से किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। पकड़े गए व्यक्ति ने कहा कि हमारा प्लान था कि 26 जनवरी को हम पहली लाइन पर गोली चलाएंगे, इसके बाद दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश करेगी, अगर वो नहीं रुकते हैं तो इन पर गोली चलाने का ऑर्डर है, पीछे से हमारी टीम जिसमें हरियाणा के 8-10 लड़के हैं वो शूट करेगी, पुलिस को ये लगेगा कि गोलियां किसानों ने चलाई हैं। उसने आगे कहा कि ट्रैक्टर रैली में गैंग के आधे लोग पुलिस की वर्दी में होंगे जो किसानों को तितर बितर करेंगे, इसके बाद मंच पर जो 4 लोग होंगे उन्हें शूट करने का प्लान है। 4 लोगों की फोटो हमें दे दी गई है जिसमें हमें ये काम सौंपा, उसका नाम प्रदीप सिंह है, वो थाना प्रभारी यानी कि SHO है। हमने उसे कभी थाने के आगे नहीं देखा, जब भी हमसे मिलने आता था चेहरा कवर करके आता था। हमने उसका बैज देखा है, जिन लोगों को मारना था उनका नाम हमें नहीं पता, उनकी फोटो हमारे पास थी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।